गुरना क्षेत्र के क्वेराली गांव में दो ग्रामीणों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति का हल्द्वानी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति के पुत्र ने बताया कि राजस्व पुलिस में मामला दर्ज करने के बाद भी आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुरना के क्वेराली गांव निवासी धर्म सिंह रौतेला ने बताया कि बीती 27 दिसंबर की सायं गांव के ही विनोद सिंह ने उसके पिता उमेश सिंह रौतेला के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। आरोपी विनोद सिंह खुलेआम घूम रहा है, जिससे उसके परिवार को खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि राजस्व पुलिस इस मामले को हल्के रूप में ले रही है। घायल ग्रामीण के पुत्र धर्म सिंह रौतेला ने बागेश्वर पहुंचकर एसडीएम तथा तहसीलदार से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। मैं ग्राम सभा सिमल गांव के प्रधान, मेरी मैसेज है और ग्राम प्रहरी विनोद सिंह ने मेरे पिताजी पर जानलेवा हमला करने से वो पूरी तरह से घायल हैं। मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले आया था और वहाँ से उनको रिफ़र किया गया। अभी तक मैं 27 तारीख को ये कांड हुआ था और मैंने पूछा कि इसका क्या रीज़न है। मैं अपने पिताजी को लेके अल्मोड़ा ले गया था, वहाँ से भी रिफ़र हल्द्वानी हो गए। मेरे भाई लोग हैं उनके साथ में, जीजाजी लोग, वो बुरी तरह से अभी भी घायल हैं और एक ग्राम प्रहरी के नाते से होने से विनोद सिंह ने ये जान ले हमला की। अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली। अभी तक इस ऐसे होते रहेगा तो गांव में हमारा जनप्रतिनिधि का क्या रहस्य रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं सभी लोगों से यही सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रशासन से ये मांग है सर, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। हम यहाँ चक्कर काटते रहे, वहाँ मैं एडमिट था, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं और कोई मैं सुनने में नहीं है। जबकि मेरे मैसेज ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने भी समझाया, अभी तक कोई वो नहीं है। वो विनोद सिंह वैसे ही घूम रहा है और ये विनोद सिंह को क्या ये जान ले हमला ग्राम प्रहरी के ऊपर है कि ये मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गांव में ऐसे घूम रहा है, अन्य लोगों को भी घायल कर सकता है और ये चीज़ें नहीं होना है, उनको तुरंत से गिरफ्तारी की जाए। एशियन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।